नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जीरा के नेशनल हाईवे पर एक बस ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को मारी टक्कर, पति पत्नी व बच्चा हुए घायल। जीरा के कोटी शेखा रोड के नजदीक करंट लगने से 3 भैंसों की हुई मौत, पीड़ित ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। अमृतसर देहात पुलिस ने गत दिनों बाइबल झुलाने वाली 2 दोषियों को किया काबू, पुरानी रंजिश को लेकर इस घिनौनी हरकत को दिया अंजाम। और अब हलचल विस्तार से। जीरा के नेशनल हाईवे नंबर 54 के एंट्री पॉइंट गेट के नजदीक उस समय बड़ा हादसा घटित हो गया जब एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस द्वारा मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति व उनके बच्चे को जबरदस्त टक्कर मार दी गई, जिस कारण परिवार के 3 सदस्य घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों द्वारा सिविल अस्पताल जीरा में पहुंचाया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उपचाराधीन मोटरसाइकिल सवार जसविंदर सिंह ने बताया कि वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर तलवंडी की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वे जीरा एंट्री पॉइंट गेट के नज़दीक पहुंचे तो पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने उन्हें टक्कर मार दी, जिस कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। तो वहीं बस ड्राइवर मौके का फायदा उठाते हुए बस सहित फरार हो गया। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। सर जी, असल में मेरा नाम जतिंदर सिंह। हाँ जी, मेरा नाम जतिंदर सिंह है। मेरा वाइफ पत्नी को की मैं ड्यूटी करना गुरुद्वारा साहब फरीदकोट के लागे, मैं जा रहा सीगा वापस, पिछों एक राज बस आई जिन्हें सानू अगों से कट के शहर में उन्होंने बस ले जानी सी, तो सानू असी सीधे ही जाना सीगा तलवंडी वाले पासे, तो सानू उन्हें थले देने की जगह एक बार पूरे चांस सीगे बेसिक पैर थले आ चले सीगे, परमात्मा की कृपा दे नाल असी बच गए। तुसी मोटरसाइकिल ते किन्ने जने सवार सी? असी एक मैं सीगा, देखो मेरे घर दे सीगे, एक बच्चा सीगा 3 साल का, 3.5 साल का बच्चा सीगा, ते असी दोनों तिन्ने ही सीगे। मेरा नाम सर सुखजीत सिंह है। मेरा इत्थे निशान ढाबा रहण वाला, मैं जगरौन तों लम्मे जटपुरे तों। मैं रोड ते आ रहा सी, 4:20 का वाकया, राज बस आ रही सी बहुत तेज, उह जे जदों मोटरसाइकिल ते 3 जणे सवार अपनी फैमिली नूं लै के ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਬੱਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਈ, ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਸਨੇ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਲਦੀ ਬੱਸ ਮੁੜੀ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ 3 ਜਣੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ, 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮੱਖੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ 3 ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੱਟ, ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈਡ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਦਰ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। जीरा के कोटी शेखा रोड के नजदीक करंट लगने के कारण 3 भैंसों की मौत हो गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए भैंसों के मालिक गुज्जर ने बताया कि वे अपनी भैंसों को चरा रहा था। इस दौरान जब उसकी भैंसे एक ट्रेलर की दीवार के नजदीक पहुंची तो दीवार के ऊपर लगी कटीली तारों से भैंसों को करंट लग गया और उसकी 3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। और अब गुज्जर की ओर से इस मामले में इंसाफ की मांग की जा रही है। तो वहीं संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी SI सतपाल सिंह ने बताया कि उन्हें घटना की सूचना मिली थी, उनकी ओर से मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। मजा करंट लगाई, मजा आ रही है, इधर उधर सिंह वजह मज दिया, बत्ती लगी, ਮੱਝ ਨਾ ਵਾਜੇ ਹੋਏ, 3 ਮੱਝਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਾਬੂ ਨੇ, ਸਿਲਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, 3 ਵਾਰਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੱਝ ਦਾ ਆਇਆ।
ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਰ ਗਏ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੁਰੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਕੋਈ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕੀ ਮੰਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੱਝਾਂ 3-4 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੱਝਾਂ 3 ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। अमृतसर के गांव माधोके में गत दिनों कुछ नौजवान की ओर से क्रिश्चियन भाईचारे के धार्मिक ग्रंथ बाइबल को जलाकर उसकी बेअदबी की गई थी, जिस संबंध में पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SPD हरिंदर सिंह गिल ने बताया कि साथ लगते पड़ोसियों की ओर से ही इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया है। इनका पिछले काफ़ी लंबे समय से दीवार को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते इनके 2 नौजवानों की ओर से प्लानिंग कर बाइबल को उठाकर उसे जलाने का काम किया गया, जिसके चलते पुलिस की ओर से इन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर बनती कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि इन्हें माननीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि रिमांड के दौरान और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਤੀ 14-7 ਨੂੰ ਗੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਮਾਧੋਕੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ SHO ਗੋਪੋਕੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਲੇ ਹੋਏ ਪੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਲੀ ਬਾਈਬਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਣੇ ਫਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ FIR ਨੰਬਰ 151 ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 299(3)-5 BNS ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਲੀ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ SHO ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਧ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਬੰਟੀ ਜਨਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਥਾਣੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਸ ਭਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਿਓ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਗੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਟੋਟਲ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੈਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 151 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 299(3)-5 BNS ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ।
दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज की बहन के घर में चोरी की घटना सामने आई है। ये घटना जालंधर के न्यू विजयनगर स्थित मकान नंबर 41/217 में घटी। गौरतलब रहे कि चोरों ने घर के पास खाली पड़े प्लॉट की दीवार फांदकर घर में प्रवेश किया। उन्होंने घर के कमरों में जाकर अलमारियों में रखी नकदी और ज्वेलरी लूट कर ले गई। दरअसल दो दिन पहले उनकी बहन का निधन हो गया था, जिसके चलते घर खाली पड़ा था। इस परिस्थिति का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में से सेंध लगाई, तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन बस्ती बाबा खेल की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि सुबह उन्हें चोरी की सूचना मिली थी। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि घर की अलमारियां खुली हुई थी और सामान बिखरा पड़ा था। चोरों ने बखूबी तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स जुटाने का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच भी शुरू की है, ताकि चोरों का सुराग मिल सके। वहीं अधिकारियों को कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार पर इस समय दोहरी मार पड़ी है। पहले बहन के निधन का गम और अब चोरी की वारदात ने उन्हें और अधिक परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए और लूटा हुआ सामान वापस दिलाया जाए। तो वहीं स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं और उन्होंने पुलिस से क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे क्षेत्र में गश्त बढ़ाएंगे और सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाएंगे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं हरदीप सिंह, एसएचओ रिवीन बचाव जालंधर। सानू सूचना मिली सी कि इत्थे चोरी होई है। इत्थे आके पता लगा कि इत्थे श्रीमती उरबला दा उरबल तलवाड़ रहिंदे सीगे। उहनां दी 17 दो तीन दिन पहले डैथ होई ते उहनां दे कल इहनां दे रिलेटिव आए सीगे। उह घरों ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਐਸਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਛੱਕੀ ਹੋਏ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਪੋਰਟ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। श्री अकाल तख्त साहिब पर सचिव और पांच सिंह साहिबानों की हुई मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब यानी रघुवीर सिंह ने कहा कि पहला फैसला ये लिया गया है कि गुरुद्वारा साहिब में दिन प्रतिदिन बढ़ रही बेअदबी की घटनाओं को रोकने के लिए सर्वसम्मति के साथ फैसला लिया गया है कि प्रत्येक गुरुद्वारा साहिब में 24 घंटों के लिए पक्के तौर पर सेवादार की ड्यूटी यकीनी बनाई जाए, जिसमें लापरवाही पाए जाने या बेअदबी होने की सूरत में संबंधित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिम्मेदार होगी और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ही शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को 15 दिनों के अंदर अंदर श्री अकाल तख्त साहिब पर पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने के लिए भी कहा गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मिति 15 जुलाई 2024 नूं पंज सिंह साहिबान की एकत्रता दफ्तर सकत्रेत श्री अकाल तख्त साहिब विखे हुई, जिस विच दीर्घ विचारां करके हेठ लिखे अनुसार फैसले किए गए। नंबर एक, गुरद्वारा साहिबाना विच दिनों दिन वध रहियां बेअदबी दीआं घटनावां नूं रोकण लई सर्वसंमति नाल फैसला होया कि हरेक गुरद्वारा साहिब विच 24 घंटे लई पक्के तौर ते सेवादारां दी ड्यूटी यकीनी बनाई जावे। इस विच कुताही पाए जाण ते जां बेअदबी होण दी सूरत विच गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिम्मेवार होवेगी अते उस दे खिलाफ सख्त कार्रवाई कीती जावेगी। नंबर दो, बाबा दया सिंह जी मुखी संप्रदाय दल बाबा विधि चंद जी चलदा वहीर चक्करवर्ती निहंग सिंघां हैडक्वार्टर सुर सिंह जिला श्री तरन तारण साहिब दीआं सेवावां नूं मुख रखदिआं होइआं उहनां नूं श्री अकाल तख्त साहिब जी वल्लों पंथ सेवक का विशेष सन्मान देण दा ऐलान कीता गया। नंबर तीन, श्रोमणी अकाली दल दे कुछ सीनियर आगूआं वल्लों श्री अकाल तख्त साहिब ते पुज्जी शिकायत अनुसार श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान ने पंथक भावनावां दी तर्जमानी नहीं कीती, जिस करके श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान नूं
दोषां दा स्पष्टीकरण 15 दिनां दे अंदर अंदर श्री अकाल तख्त साहिब विखे निजी तौर पर पेश हो के लिखती रूपक देने लिए कहा गया है। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पासों अकाली आगू वालों लाए 90 लाख के इश्तहार देने दे दोषां संबंधी स्पष्टीकरण मंगया गया है। अज सिंह साहबान की एकत्रता विच वातावरण की ते पानी की सांभ संभाल पंछियां दियां खत्म हो रही नस्लां ते चिंता जाहर करदियां आदेश किया जाता है कि हर सिख अपने जीवन विच घट्टो घट एक पौधा जरूर लावे, पानी की सांभ संभाल की जाए ताकि वातावरण नूं दूषित होण तों बचाया जा सके। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल तख्त साहिब के सचिव और 5 सिंह साहिबानों की एक अहम मीटिंग की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए, जिसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब से फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार भाई इकबाल सिंह को लगाई धार्मिक सजा को लगातार 11 दिनों तक जपजी साहिब के पाठ और शाम को 1 घंटा गुरबाणी का श्रवण करेंगे और अपनी धार्मिक सजा पूरी होने के बाद भी श्री अकाल तख्त साहिब पर आकर अरदास करेंगे तथा 500 रुपयों का हलवा प्रसाद चढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कई और अहम फैसले भी सुनाए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसरा की रिपोर्ट। मेरा नाम जगजीत सिंह है। मामला ये सी कि अकाल तख्त साहब ने इंदौर दिया चोना कराने का आर्डर किया सी। उस आर्डर नु लेके मैं कोर्ट गया सी ते वो कोर्ट तो मैं वापस अपना आर्डर ले लिया है और मैं नाजुना क्षमा कर सेवा 11 दिन पांडे मानने थी जपजी साहब का पाठ और 1000 रुपए की रसीद पटना से बिल्कुल कबूल करके तो कबूल की हाँ ठीक है जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु। अपनी गलती मान के पिटीशन वापस ले ली है, पिटीशन ला के वो मैं डिस्पोज कर ली है और इन्हें जो सेवा लाई है मैंने कबूल। 6 महीने हो गए पिटीशन आज मिला। नाम की जगजीत सिंह टुटेजा इंदौर। सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर मंगल सिंह किशनपुरी की ओर से पंजाब में बढ़ रहे प्रदूषण को घट रहे पानी के स्तर के संकट से बाहर निकलने के लिए किशनपुरी फाउंडेशन एहसास पिछले 3 वर्षों से सरगर्म है। वे हर वर्ष सेंट सोल्जर इलीट कॉन्वेंट स्कूल छंडियाला गुरु के बच्चों और रोटरी क्लब अमृतसर के सहयोग से वर्ष 2023-24 से 5000 पौधे लगाने में कामयाब रही। इन पौधों को बच्चों के प्रोजेक्ट में शामिल कर इनकी देखभाल को भी निश्चित किया गया। इसी के तहत 5000 पौधे और लगाने की मुहिम का आगाज किया गया है, जिसमें वन विभाग, नगर निगम छंडियाला गुरु के ईओ जगतार सिंह के अलावा नगर निगम कमेटी के कर्मचारी भी विशेष तौर पर इस मुहिम में शामिल होने के लिए पहुँचे। इस अवसर पर पंजाब को हरा भरा बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक लोगों का सहयोग भी दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर किशनपुरी ने किसानों को अपील की है कि वे अपने खेतों में आग लगाने को रोककर वातावरण को बचाने के लिए अपने खेतों में अधिक से अधिक पौधे लगाने की उन्होंने बात कही, ताकि वातावरण में हो रहे बदलावों को रोका जा सके। इस मौके पर प्रिंसिपल अमरप्रीत कौर, सरपंच बलबीर सिंह, प्रहलाद सिंह, वाइस प्रिंसिपल गुरप्रीत कौर, कोऑर्डिनेटर शिल्पा शर्मा, नीलाक्षी गुप्ता, प्रियंका शर्मा सहित स्कूल का अन्य स्टाफ भी उपस्थित रहा। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। अज एटलीस्ट 3-4 बूटे तो लैके जावांगे ते क्योंकि साडे जिहड़े MD सर ने सरदार मंगल सिंह किशनपुरी जी उन्होंने वालों बहुत ही वधिया एक ये स्कीम चालू की गई है, जिदा कि बूटे लाने हर घर विच क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीज़। जिदा आप वेखते हैं कि पंजाब का टैंपरेचर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो इन्नी हीट वेव्स आ रही ने पूरे इंडिया के भी, तो वह चीज़ को बैलेंस करने लिए हुण आपां बूटे लाने ही पैने ने। तो ये जिहड़ी ए स्कीम है MD सर वालों पिछले 2-3 सालों तो चलाई जा रही है, तो हर साल बच्चे जड़े बहुत सारे बूटे लैके जाते अपने घर लाने लिए।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੂਟੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ MD ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 7-7 ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਵੀ ਅਪ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਨੀਮਮ 1-7 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ MD ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਗਰਮੀ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ ਇੰਨਾ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 133 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾੜਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੌਦੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ NGO ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਨਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ NGO ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਸਕੂਲ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ
यही जो यंग चिल्ड्रन ने जिहड़े अगे जाके उस चीज़ नू टैकल कर सकते हैं। तो मैनू बड़ा अच्छा लग्या जाके इत्थे, ते थैंक यू सो मच इन्हां दा भी, क्योंकि साडा टारगेट काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्हां दे सहयोग नाल ही एन जी ओज जो अच्छे काम कर रहे हैं, अदर डिपार्टमेंट्स, उन्हां दे थ्रू ही आपां वी विल बी एबल टू अचीव आवर टारगेट जो इस साल का है। सर कितने अज लाए जी? अज आप लाने जा रहे हैं जी, इन्हों का इन्हों टारगेट है 5000 प्लांट्स का है, एज फार एज रिमैंबर 5000 प्लांट्स का है कि ये स्टूडेंट्स इनवॉल्व करके वो 5000 पौधे लगनगे ग्राउंड से एंड उन्हें सर्वाइवल भी इंश्योर करेंगे। बच्चे, स्टाफ, रोटरी क्लब आस्था, म्यूनसिपल कमेटी के बलविंदर कुमार जी और फॉरैसट अफसर साढ़े को पहुंचे है और डिपार्टमेंट साढ़े को पहुंचे है और साढ़ा जो टीचा है किसी फ्री फाउंडेशन का और सारे का वो 5000 बूटे लाने का है। ये 5000 बूटे जोड़े असी बच्चों के सहयोग नाल लगावांगे और ये सारे बूटे पालांगे। तो किन्ने साल तो तुसी ला रहे हैं जो? असी 3 साल तो साड़ी मुहिम चल रही है। तो पहले साल असी 8000 बूटा लगाया सीगा, लास्ट ईयर 5000 बूटा लाया और सारे बूटे पले है। इस साल फिर अं 5000 बूटा लाने हैं। कोल असी एक शहीद ऊधम सिंह बगीची बनाई है जी स्पैशल इसे वास्ते ही है कि उत्थे बूटे ला के और जरा शहर है हरिया भरिया के स्कूल बच्चों ने एक प्रोजेक्ट दिता है हरिया भरिया पंजाब, वो अधीन जी हर बच्चे बूटे देने कोई 2-3 जिन्हें बच्चे ला सकते हैं और वह बच्चों शर्त होंगी भी वह बूटे जिस दिन लाने उस दिन वीडियो भेजेंगे और 6 महीने बाद वीडियो भेजेंगे और साल बाद वीडियो भेजेंगे। जोड़ा बच्चा ये कंप्लीट वीडियो भेजेगा उन्होंने ये 10 नंबर जोड़े है वो एक्सट्रा मार्क्स ऐड करते हैं और वधिया बूटे पाने सम्मानित करते हैं। ये बच्चों में बड़ा उत्साह होया और पिछले साल जिन्हें बूटे लगे है मोस्टली वो बूटे जो पले आ और गांव इस तरह ही और बूटे जो पालेंगे। हूँ तक जी असी जो मुहिम शुरू की है जी अपने ग्रीन एक्शन प्लांट की, वह भी जी घटो घट जी 3500-4000 नीयर बोर्ड अं पौधे ला चुके हैं जी और अलग अलग थावान तो अं ला रहे हैं। अज जिमें सरदार सेंट सोल डे बोर्डिंग स्कूल सरदार मंगल सिंह जी के उपराले सदका सानू बहुत वड्डा एक उदों मिलिया जी, तो काफ़ी जिहड़े पौधे लगन जा रहे जी, तो साडा डी एफ ओ साहब भी आए जी नाल जी, तो सानू एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती है जी। तो ये साडे ए डी सी साहब निकास कुमार जी हिदायत अनुसार असी जिहड़े पौधे आ जी जगतार सिंह की हिदायत अनुसार वध तों वध जी लगा रहे हैं जी। टीचा की है सर? साडा जी 15000 टीचा जी। भारत का सबसे बड़ा ज्वेलरी रिटेल ब्रांड एवं टाटा समूह का एक हिस्सा तनिष्क ने अपनी शानदार और बहुत ही खास कलेक्शन एनचेंटिंग ट्रेल्स पंजाब के जालंधर में लॉन्च किया। प्रकृति की अतुल्य सुंदरता से प्रेरित होकर बनाए गए हरित के आभूषणों का एनचेंटिंग ट्रेल्स हर महिला की ज्वेलरी कलेक्शन में ताजगी और मन को लुभाने वाली खूबसूरती भर देगा। अपनी इस प्रस्तुति को और भी आकर्षक बनाते हुए तनिष्क के आभूषणों के मूल्यों पर 20% तक की छूट की घोषणा भी की गई है। इस नई कलेक्शन को जालंधर के मॉडल टाउन स्थित तनिष्क के शोरूम में लॉन्च किया गया। ये समारोह उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही मनोरंजक और मज़ेदार रहा। ज्वेलरी शोकेस के साथ साथ कुछ खास एक्टिविटीज़ का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। Thank you.
ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪੂਰਤੀ ਐਂਡ ਦ ਵਨ ਨੈਕਲੈਸ ਆਈ ਐਮ ਵੇਅਰਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦ ਮੋਸਟ ਐਂਡ ਦ ਵਨ ਫਰੋਮ ਆਲ ਦ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਦ ਮੋਸਟ and all I want to say is I feel very much honored and thrilled to be part of the Tanishq family and I just thank you everyone for having us here and I'm very much thrilled with what I am wearing today and it's very much precious. Hi, I'm Rajni Kaushal. First of all, I would like to thank the whole staff. They are so warm, always welcome, and I have never felt confused here because they know your choice. According to that, they serve you. And I would really like to thank Bharti especially. Thank you so much. And the collection is, I think, the day I married here, since then, I'm just coming here. So, three cheers for Tanishq. Thank you. जालंधर शहर के प्रथम दरबार एवं चमत्कारी श्याम मंदिर में सातवें वार्षिक स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य जागरण एवं भंडारी का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में दिल्ली और बेंगलोर से फूल मंगवाकर सावरिया श्रृंगार संस्था के द्वारा बाबा श्याम जी का हार श्रृंगार किया गया। तो वहीं खाटू धाम राजस्थान से स्पेशल गुलाब चंदन केवड़ा इत्र मंगवाकर दरबार में इत्र वर्षा की गई। इस मौके पर अनिल गौतम भार्गव ने विधिवत पूजा अर्चना करवाकर ज्योति प्रज्वलित कर इस जागरण का शुभारंभ किया, जिसमें दीपक सरगम एंड पार्टी ने बाबा जी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कमेटी सदस्यों की ओर से श्री विज को राजस्थानी साफा चुनरी एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आप नेता मुकेश सेठी, जोगिंदर पाल शर्मा, प्रदीप खुल्लर, दीपक संधू, भाजपा नेता अशोक सरीन, प्रसिद्ध गायक मणि भैया, प्रवीण कुमार, श्याम अरोड़ा, योगेश कत्याल, अमित उप्पल, ईशान अरोड़ा, तरुण शर्मा, राजकुमार कालिया, राजकुमार गोयल, हैप्पी अलंग, चीनू बजाज, दीपक मुर्गई सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। मेरा तो शाम से नाता शाम भरोसे मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि मैं तो शाम से आशिक हूँ। श्याम चरण में पूर्ण समर्पित हूँ इसीलिए मैं सदा सुरक्षित हूँ। जीवन के हम सब कोये मेरा तो शाम से नाता का कीर्तन है, आपका कीर्तन है सांवरे राजा।
हिंदू धर्म में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। इस पावन अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के दरबार में मां वैष्णो, मां सरस्वती और मां लक्ष्मी जी को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए गए। इन 56 भोगों को उपस्थित भक्तों के बीच वितरित किया गया। इस अवसर पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, अमित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल और अन्य सदस्यों ने विशेष रूप से शामिल होकर भक्तों को बधाई दी। ललित गुप्ता और पविंदर बहल ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे धार्मिक आयोजन होते रहेंगे। मंदिर की महिमा आज पूरे विश्व भर में फैली हुई है, जहां रोजाना हजारों भक्तजन परिवार के साथ आकर नतमस्तक होते हैं और मां से मुरादें मांगते हैं। इस अवसर पर सेवादार अजय लाली, सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व पार्षद भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल, यश चड्डा, देविंदर साहनी, पीयूष साहनी सहित बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। माँ को सभी मिलकर भोग लगाएंगे, कहेंगे जय माता। जिना हाथ उठा के कहिए जय माता। ठीक है, देखा आवाज चंगी नहीं लगी, जरा हाथ पीछे करके कह दो। शकल मद्रासियां लगी है मेरी, पर मैं पंजाबी। सच्चे दरबार की आओ मैया जी, तुम्हें भोग लगाओ। Yeah.
मिले। आइए कहिए दोनों हाथ ऊंचे करके बिल्कुल सीधे। जय माता दी। श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों, सारे भगतों नूं शीतल विज जी वालों, प्रधान शीतल विज और सारी कमेटी वालों, सारे जलंधर वासियों नूं, सारे भगतों नूं जय माता दी। जिस तरह कि तुसीं जानदे हो इन्हां दिनां च गुप्त नराते चल रहे हैं। ये माँ के गुप्त नराते बड़ी खुशी नाल और श्रद्धा के नाल मनाए जा रहे हैं। श्री देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी भी माँ के पावन गुप्त नराते मना रही है। अज छप्पन भोग महाराणी नूं लग रहे हैं। ये छप्पन भोग का की मतलब है? माँ के अपने पदार्थ, माँ की अपनी सब जी रहमत दिती हुई असी माँ नूं चढ़ाने हैं। जिस तरह की असी कह दें किसी भी बंदे नूं कह दें तुहानूं बधाइया जी, वह मुड़ के कहें जी तुसीं बधो। साडे सहगल साहब अमृत प्रकाश सहगल जी पूर्व प्रधान कहिंदे हुंदे सी सानूं महाराणी नूं बधाई देने का मकसद यह है कि असी महाराणी नूं बधाई दें तो महाराणी सानूं कहिंदी है तुसीं बधो। किसी ने भी बधाई दो तो कहता तुम बधो। इदा ही छप्पन भोग या माँ के दरबार से जिन्या भी हवन यग जिन्या भी पूजा समगरी दिन्या भी विधियां बनिया हुई हैं वह मकसद सिर्फ इन्ना ही है कि वह असी माँ सानू असी माँ को कुछ भी अर्पण करते हैं माँ सानू कि गुणा करके किन्ने हज़ार गुणा करके सानू माँ वापस कर देती है। छप्पन भोग लगा महाराणी परपज यह होंगे कि माँ कहती है भी तुम भी छपिंजा नाना प्रकार के भोजन का आनंद लो। मैं इन्ने सुंदर सुंदर थोड़े लिए भोजन बनाए है जेडे तुम छपिंजा भोग मैंने लगाए है यह भोजन तुम अपना तुम यग शेष इस तरह कहें वापसी करके थोड़ी संगत च वंटे जाते हैं और तुम इस तरह ही छपिंजा भोगों का कि अनगिनत भोगों का तुम आनंद लवो थोड़ा जीवन सुखमय हो खूब जीवन की तरक्की करो खूब जिंदगी महाराणी का आशीर्वाद प्राप्त करो। ये किसी भी विधि त्यौहार का मकसद इन्ना ही है। किसी भी मंदिर के असी कोई श्रद्धा के नाल चीज़ मनाने हैं वो माँ सानू कि गुणा हजारा गुणा हवन के जिस तरह समगरी पाने हैं सानू हजारा गुणा करके वापस मिल जाती है वायुमंडल से चली जाती है और वायुमंडल के थ्रू सानू सारे वापस मिलती है। इस तरह ही हर चीज़ का एक महत्व है। छपिंजा भोग का भी यही महत्व है कि असी छप्पन भोग महाराणी चढ़ाने हैं और माँ सानू कहती है वापसी दिंदी है और सानू कहती है भी जिदा तुम मैं छपिंजा भोग लगाए हैं इदा ही तुम अपने जीवन के अपने जीवन तरक्की करते हुए हर तरह के पदार्थों का हर तरह के जीवन से तुम सुख लवो और तुम सब तरक्की मिले और तुम अगे वधते रहो। इन्हों खुशियों के नाल ही मैं अपने बैल साहब साडे कैशियर साहब जेडे कि अनगिनत मेहनत करते हैं त्यौहार मनाने उन्होंने दो तीन दिन पहले शुक्रवार को त्रिपुर मालनी दरबार च भी इन्हें छपिंजा भोग लगाया सी। आज श्री देवी तला मंदिर के छपिंजा भोग लग रहे हैं। मैं कैशियर बैल साहब नू और अपने प्रधान शीतल बिज जी नू और सारी कमेटी नू बहुत बहुत इस पवित्र दिन से बहुत बहुत बधाई दिना हाँ। तो आस करता हाँ कि माँ तुहाडे सारयां ते अपनी कृपा बना के रखे और सारयां नू अपना आशीर्वाद दे। जय माता दी। जालंधर के 343 न्यू जवाहर नगर स्थित भगवान महावीर अर्धना केंद्र में जैन चातुर्मास के उपलक्ष्य में जैन कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री आत्म वल्लभ समुदाय के गच्छाधिपति श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब की शिष्याएं शासन ज्योति साध्वी श्री प्रभुना श्री जी महाराज साहिब एवं स्वर कोकिला साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी उपस्थित थी। साध्वी जी महाराज साहिब ने अपने चातुर्मास प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ की जिसमें उन्होंने भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे उतारना है इस पर उपदेश दिया।
साथ ही जैन धर्म की महत्ता एवं हमारे दैनिक संस्कारों के बारे में भी चर्चा की। ये प्रवचन प्रतिदिन प्रातः 8:30 से 9:30 बजे तक लाला लाभूराम ज्ञान देवी जैन प्रवचन हॉल में होगी। इस मौके पर साध्वी जी ने श्री संघ के बच्चों, माता पिता एवं विश्ववासियों को अपने धर्म के साथ कैसे बढ़ सकते हैं इसके लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में परम गुरु भक्त एवं धर्मनिष्ठ परिवार दिव्य श्री निर्मल कुमार पुष्पावंती जैन के वंशज, सुप्रीम मेटल इंडस्ट्रीज के विनेश जैन, सचिव महेंद्र पाल जैन, उपाध्यक्ष पुष्प जैन, एडवोकेट PRO अनिल जैन, हीरालाल जैन, दिनेश पारेख, रजत जैन, सनत जैन, बलबीर जैन, अनिल जैन, संदीप जैन, राकेश जैन, करण जैन, शेफाली जैन, आदर्श जैन, शशि जैन, आरती जैन, नीलम जैन, मनी जैन, मीना जैन उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। और बेले के पार में 50,000 शीशे होते हुए भी मुझे खुद लेने का। पर आज की प्रथम देशना को प्रारंभ किया उसके लिए मैं अपने पूरे यहाँ पे बैठे हुए श्रावकों की तरफ से साध्वी जी महाराज साहिब का धन्यवाद करता हूँ। गुरुदेव, जैसे कि आपको विदिति है कि प्रथम चातुर्मास इस आराधना केंद्र में हो रहा है और शायद हम लोग थोड़ा सा धर्म से विकृत हुए हुए थे, लेकिन इस चातुर्मास के दौरान जो आप हमें उपदेश या देशना देंगे उससे हम धीरे धीरे करके अपने मन, वचन और काया में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। सो जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया कि आज जो प्रवचन की श्रृंखला प्रारंभ हुई है इसका समय पहले दिन ही गुरुदेव ने बोल दिया था कि समय की पाबंदी रहेगी। सुबह 8:30 बजे पूरे प्रवचन प्रारंभ होगा और 9:30 बजे तक प्रवचन जो है समाप्त होगा। समय की मर्यादा रखें क्योंकि जो एक एक दिन का जो एक प्रवचन है ये हमारे जीवन की संरचना को पूरा ओतप्रोत करने वाला है। सो हम भाग्यशाली होंगे अगर गुरुदेवों के मुखारविंद से दिया हुआ एक एक शब्द जो है उसमें से अगर एक भी देशना हमारे मन में उतर जाए तो शायद हमारी जिंदगी का कुछ उससे उद्गार होगा। सो जैसे कि मैं यहाँ सुबह प्रवचन हॉल में पूरे 8:30 बजे पधार गया तो मेरे आने से पहले ही साध्वी जी महाराज साहेब, हमारे शासन ज्योति शासन रत्ना साध्वी प्रज्ञा श्री जी महाराज साहेब एवं शिविर संचालिका पंजाब चंद्रिका स्वर कोकिला साध्वी प्रिय धर्मा श्री जी महाराज साहेब पाठ के ऊपर विराजमान हो चुके थे। जैसे कि उन्होंने बताया, श्री प्रेम धाम के संस्थापक बंटी बाबा ने बड़ा प्रयास कर श्री प्रेम धाम में जपजी साहिब का पाठ करवाया, जिसके पश्चात कीर्तन समागम का भी आयोजन किया गया जो कि सभी के लिए एक मिसाल है। श्री प्रेम धाम सभी धर्मों का सम्मान करता है। इस मौके पर बंटी बाबा ने कहा कि मानस की जात सब एक है और अल्लाह गॉड परमात्मा वाहिगुरु सब एक ही ज्योत है। इस कीर्तन समागम में भाई गुरप्रीत सिंह शिमला वालों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के समागम और पाठ हर वर्ष करवाए जाएंगे। पंचतरणी अमर शक्ति समिति लुधियाना की ओर से 45वां विशाल भंडारा श्री अमरनाथ यात्रा की मार्ग पंचतरणी में लगाया गया, जिसमें सायंकाल की आरती के बाद भक्तों को लंगर वितरित किया जाता है और यात्रा में शामिल भक्तों के लिए रात के समय सोने का प्रबंध भी निःशुल्क किया जा रहा है। इस मौके पर समिति के सदस्य गौरव चुग ने बताया कि वे पिछले 45 वर्षों से लगातार श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग के पंचतरणी कश्मीर में लंगर की सेवा करते आ रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुबह के समय भक्तों को चाय व रस का लंगर भी वितरित किया जाता है। मैं गौरव चुग, पंचतरणी अमर शक्ति समिति, लंगर पंचतरणी
ये हमारा लंगर पिछले 45 साल चलता आ रहा है, इसमें सारी संगत को शाम का लंगर खिलाया जाता है और शाम की आरती के बाद सभी भक्तों को लंगर परोसा जाता है और सोने की सुविधा फ्री है। इसके अलावा हम सुबह चाय और रस का लंगर भी फ्री देते हैं। क्या बोले की बस ठीक है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सुखदेव भाई, जनक राज भाई, सुरेंद्र भाई ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। अधर्म अपनी चरम सीमा पर है और पाप का घड़ा भर चुका है। हर मनुष्य दुखी और अशांत है। जब भी अधर्म बढ़ता है तो परमात्मा को इस धरती पर आना ही पड़ता है, इसलिए परमात्मा आ चुकी हैं। इस अवसर पर सुनीता बहन, रूप कुमार, अजीत भाई, जगजीत भाई, सागर भाई, राम कुमार, अनीता माता सहित सभी सदस्यगण मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से बात कर रही हूँ। हम ब्रह्मा कुमारी से यहाँ सेवा के लिए आए हैं और यहाँ पे हम आत्माओं को संदेश दे रहे हैं, भगवान का परिचय दे रहे हैं, जो ताकि वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम का वर्षा ले सके अपने बाप से और अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। जो आज दुनिया इतनी तंग है, दुखी है, इतने सवालों के जवाब ढूंढ रही है और वो निश्चय ही भगवान के पास है। हम उसकी निशुल्क सेवा दे रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम आदर्श नगर 407 में आकर ये फ्री सेवा का आनंद ले सकते हैं। आइए हम अपने भारत को स्वर्ग बनाएं। स्वर्णिम भारत के लिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सेवा केंद्र में आप 7 दिन का फ्री कोर्स करें। ओम शांति जी, ओम शांति। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक भगत गुरप्रीत सिंह, महाकाल का रथ सेवक संघ लुधियाना वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां के सुंदर भेंटू का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अवतार गब्बी, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक भगत गुरप्रीत सिंह, महाकाल का रथ सेवक संघ लुधियाना वालों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनी शर्मा की रिपोर्ट। जो पूरे पंजाब में चल रहा है, रजनीश जी उनके साथ संदीप शर्मा जी हलचल टीवी चैनल से, दैनिक सवेरा के प्रेस फोटोग्राफर संदीप शर्मा जी, जो हर रविवार को श्री देवी तला मंदिर की भजन संध्या की फोटो शूट करने के लिए आते हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत किया जाता है। सबसे पहले श्री वरिंदर शांत जी, गुरुप्रीत जी को माँ जी का आशीर्वाद, माँ जी की चुनरी देकर सम्मानित करेंगे उनके साथ शिव सागर। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक आर के मिम्मी एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, नरेंद्र सहजपाल, चंदन मोहन ढिंगरा ने भजन गायक आर के मिम्मी एंड पार्टी को
मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर अशोक शीतल, संजीव साहनी, सोहन लाल, किरण कुमार, राजेंद्र मदान, यशपाल, गोवर्धन गोंधी, नरेंद्र शर्मा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तू करता फलदान से जगती, तू करता फलदान से जगती, मन हारी है और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जीरा के नेशनल हाईवे पर एक बस ने मोटरसाइकिल सवार परिवार को मारी टक्कर, पति पत्नी व बच्चा हुए घायल। जीरा के कोटी शेखा रोड के नजदीक करंट लगने से 3 भैंसों की हुई मौत, पीड़ित ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार। अमृतसर देहात पुलिस ने गत दिनों बाइबल जलाने वाले 2 दोषियों को किया काबू, पुरानी रंजिश को लेकर इस घिनौनी हरकत को दिया अंजाम। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।